हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक दिलचस्प मालूमात। आज तक लोगों ने आपको ये तो कहा होगा कि किन मकामात पे आपको जाना चाहिए, लेकिन कभी भी आपको किसी ने ये नहीं कहा होगा कि ये वो मकामात हैं जहाँ पे आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि दुनिया गोल है, सूरज की शुआएं दुनिया के हर मकाम पर यकसां नहीं होंगी, खसूसन बालाई और जेरी हिस्सा सूरज का तपश से महरूम रहता है और इसी तपश के कम होने की वजह से यहाँ का दर्जा हरारत बहुत ही कम और इंतहाई कम। तो चलते हैं और आपको बताते हैं एक इलाका वो स्मोक स्टेशन जो कि टोरंटो में वाकया है और यहाँ का दर्जा हरारत -128.5 डिग्री फारेनहाइट तक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि दुनिया का कम से कम दर्जा हरारत है और यहाँ पर इंसानी जिंदगी नॉर्मल लिबास में नामुमकिन है। यहाँ को जिंदगी बसर करने का तो क्या आप आने का भी सोच नहीं सकते। दूसरी जगह जो कि डेथ वैली के नाम से मशहूर है और कैलिफोर्निया में वाकया है, ये पहली जगह से जो कि मैंने आपको बताया वहाँ से यकसर इंतजार है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी की इंतहा होती है और यहाँ का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 1913 में 134 डिग्री फारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया और यहाँ पे इसी गर्मी की वजह से खाना और रहना महाल है। नाजरीन, तीसरी जगह जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ बल्कि दिखाने जा रहा हूँ वो है चिली का सहरा, जहाँ पे 10 साल में सिर्फ एक दफा बारिश रिकॉर्ड की गई और पानी का हसूल नामुमकिन में से है और ये देखने में गरीब के बिल्कुल मुशाबा नजर आती है। चौथी जगह जो कि आइलैंड है और जो कि इंसानी आबादी से 2400 किलोमीटर के फासले पर है, अगर आप वहाँ गए और खुदा ना खास्ता आपको इमरजेंसी हो गई तो नॉर्मल जिंदगी वाले इलाके में पहुँचना आपके लिए नामुमकिन है और आपकी जिंदगी को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। लिहाजा मालूमात की फरहमी पर इक्तफा करें और अपनी जिंदगी को खतरे में ना डालें और इंस्पायर होकर यहाँ जाने की हरगिज़ कोशिश ना करें। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया आपने हमारी वीडियो देखी, तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मुयस्सर हो सके।